हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लॉकडाउन 5.0। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो कोरोना वायरस COVID-19 से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो चलिए इसमें जानेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार से गाइडलाइंस जारी की गई है। इसमें क्या लॉकडाउन 3 चरणों में होगा? ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके केवल एक जोन होगा। यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से यह छूट रहेगी और ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। साथ ही कर्फ्यू से राहत, तो नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह क्या था कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू था। लॉकडाउन 5.0 में अब राज्य सरकारों को लेना होगा फैसला। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये फैसला अब राज्य सरकारों के हाथों में है। तो राज्य सरकारों को लॉकडाउन 5.0 में अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेगी कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू की करनी है। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है। अब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत। तो गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश में कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदियां को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियमों के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। धार्मिक स्थल और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल जो है वो 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा, कैसे इसको जानेंगे। तो नई गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन जो है वो 3 फेज में खुलेगा। केंद्र सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। अब जानेंगे कि क्या क्या खोलने की अनुमति नहीं है। तो लॉकडाउन 5.0 के दौरान देश भर में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इसमें क्या क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल आदि शामिल रहेंगे। तो ये सब नहीं खुलने हैं अभी। इनको खोलने को लेकर सरकार तीसरे फेज में फैसला करेगी।